नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। और आज हम आप लोगों को बताएंगे जो एक ITBP का नोटिस वायरल हो रहा है, यानी कि एक लिस्ट वायरल हो रही है। इसमें लगभग 1500 बच्चों को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये जो नोटिस है ये आप लोगों को हम बताएंगे कि फेक है या सही है। तो ये जो नोटिस है बिल्कुल सही है, क्योंकि ITBP के अंदर ही मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। यूपी से ITBP के अंदर जनरल डिस्ट्रिक्ट से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो जब भी हम इसके अंदर अपना नाम एंटर करते हैं, जैसे कि मेरा नाम है बीरेश कुमार, BEERESH बीरेश KUMAR, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना नाम एंटर किया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर अपना सर्च किया तो हमारा नाम लिख के आ जा रहा है बीरेश कुमार, और उसके आगे रोल नंबर लिख के आ रहा है 30 11 60 57 35। यही मेरा एग्जैक्ट रोल नंबर भी है, ठीक है। यहाँ पर हमें इलाहाबाद में रिपोर्टिंग करना है 27वीं बटालियन के अंदर। जो हमारा फ्रंटियर मिला है वो मिला है हमें सेंट्रल फ्रंटियर, ठीक है। RTC सेंटर हमारा है करेरा, मेरी DOB है वो है आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे 4399, और जो मेरे रॉ मार्क जो मेरे नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं वो 82.90 है, ठीक है। DOB आप लोगों को दिख गई होगी 4399, RT सेंटर करेरा है, और फ्रंटियर जो मिला है वो सेंट्रल फ्रंटियर मिला है 27वीं बटालियन इलाहाबाद के अंदर हमें रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। अब आप लोगों को हम ये नोटिस के बारे में सही से बता देते हैं कि किस प्रकार से नोटिस यहाँ पर वायरल हो रहा है और इसकी सच्चाई क्या है, ठीक है। जब भी आप ये देखो, पहला बंदा जो है अमित कुमार, इसके नॉर्मलाइज्ड मार्क है 98.32, ठीक है। जब भी इसका रोल नंबर आप एंटर करोगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो इसका आप लोगों को शो हो जाएगा कि इसका सिलेक्शन ITBP के अंदर ही हुआ था, ठीक है। और इसको जो बटालियन मिली है वो 5 बटालियन मिली है, और इसको जो फ्रंटियर मिला है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मिला है। आप लोगों को बता दें जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ के अंदर है, और इसको भी RTC सेंटर कहाँ मिला है, करेरा। और इसको रिक्रूटमेंट सेंटर कहाँ पे मिला है, जहाँ पर इसे रिपोर्ट करना है, यानी कि रिपोर्टिंग रिक्रूटमेंट सेंटर। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रिक्रूटमेंट रिपोर्टिंग सेंटर। और अलॉटेड यूनिट ये है इसका, यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है ALLD, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा इलाहाबाद। ALLD इसका मतलब इलाहाबाद, ठीक है। DLI इसका मतलब दिल्ली हो जाएगा। BPL इसका मतलब भोपाल हो जाएगा। JDR यानी इसका मतलब जयपुर हो जाएगा। ये सिटीज़ के क्या हैं, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखे गए हैं। जो भी आपकी सिटीज है, ठीक है, आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, यानी कि लगभग 1 महीने तक आप लोगों को इस सेंटर पर रोका जाएगा जहाँ पर आप लोग रिपोर्ट करेंगे। इसी को हम बोलते हैं JTC, ठीक। जब JTC आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप लोगों को भेजा जाता है RTC सेंटर्स पर, जहाँ पर आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो कि ट्रेनिंग होती है आप लोगों की 44 वीक की। ये ट्रेनिंग भी 2 भागों में डिवाइड की जाती है। पहली ट्रेनिंग होती है लगभग 19 वीक की, बाद बाकी जो भी वीक्स बचते हैं लगभग 25 वीक की बाद में ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 19 वीक के बाद आप लोगों को छुट्टी मिल जाती है लगभग 15 दिन से 1 महीने के बीच में, ठीक है। जिन लोगों का अभी सिलेक्शन ITBP में हुआ है, ठीक है, आप लोग अपना यहाँ पर सेंटर चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है, जिस प्रकार से जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि मेरे पास मेरा आएगा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, अगर नहीं भी आता तो आप ये लिस्ट निकाल कर आपने रिक्रूटमेंट रिपोर्टिंग सेंटर पर ले जाकर वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो लोग आप लोगों को एंट्री दे देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।